दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह अगर गॉड फॉरबिड आपको कहीं से पता चलता है कोई इशू कि आपके साथ कोई मेडिकल इशू है और आपको एक डॉक्टर बताता है कि आपके साथ सीरियस मेडिकल इशू है तो आपने फिर क्या करना है। अब आपने फिर क्या करना है ये मैं आपको पहले रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। हमारे एक दोस्त बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक हेल्दी आदमी और एक दिन मेरे पास आए, ऑल ऑफ सडन बहुत डिप्रेस थे, परेशान थे और बिल्कुल मायूस हो चुके थे ज़िंदगी से। तो फिर जब उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि वो इस तरह रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने जब मुख्तलिफ रूटीन टेस्ट किए तो पता चला कि उनका एक टेस्ट जो किडनी के लिए देखा जाता है उसका थोड़ी सी लेवल हाई थी। तो वो जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने उनको बताया कि मेरे भाई आपके लिए बैड न्यूज़ है और आप किडनी की एक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और आप स्टेज 2 के मरीज़ हैं, उसके बाद स्टेज 3-4 है और उसके बाद आपका किडनी ट्रांसप्लांट होना है और आपकी किडनी ख़त्म हो जाएगी। जब मेरे दोस्त ने जो एक एजुकेटेड और बड़े कॉन्फिडेंट आदमी थे उन्होंने ये चीज़ सुनी तो बड़े डिप्रेस हुए, बहुत परेशान हुए, मेरे पास आए और उन्होंने बिल्कुल हार मान ली। उन्होंने कहा कि यार बस अब मैं तो ये है तो बस मरने की प्लानिंग शुरू कर दी। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैं ख़ुद भी बड़ा डिप्रेस हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन बिकॉज बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट और मैंने काफ़ी केसेस भी देखे हैं तो मैंने उनको एक मशवरा दिया कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए और दोबारा अपने इन टेस्ट को दोबारा जो है ना परफॉर्म कीजिए किसी दूसरे हॉस्पिटल से। अल्लाह की करनी के वो गए दूसरे डॉक्टर के पास, उन्होंने दोबारा टेस्ट किए। जब दोबारा टेस्ट किए तो फिर उसके बाद पता चला कि भाई उनको तो किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रुके बल्कि जब वो खुशी खुशी मेरे पास आए तो उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा बताया कि आप अब एक तीसरे डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपको 100% श्योर हो जाए कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जब वो तीसरे डॉक्टर के पास गए तो दोबारा टेस्ट परफॉर्म हुए, डॉक्टर से बात की गई, डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर ने फिर ये देखा कि व्हाट शुड आई से कि बिल्कुल इशू नहीं था, कोई मसला ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो वो बड़े खुश हुए। अब इसी तरह का एक केस हमारे एक दोस्त जो बेसिक नर्स हैं, बड़े प्रोफेशनल नर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मसला है और उन्होंने फिर बताया इस तरह इशू है। तो अब मैंने आपसे ये चीज़ क्यों डिस्कस की, देखिए उमूमन ये होता है कि हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी चूंकि इंसान होते हैं कभी कभी वो कहना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन कह कुछ देते हैं। अब वो शायद आपको समझाना चाह रहे हों, बैक ऑफ द माइंड वो फिर भी प्री ऑक्यूपाइड ना हो, हो सकता है डॉक्टर बेचारा वो भी एक इंसान है, घर में बेगम से लड़के आया है या किसी पेशेंट ने उसको जो है ना कोई लड़के गया है, वो परेशान बैठा हुआ है, आपको उसने कुछ बोल दिया तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो 100 से 0 पे आ जाएगी। और यही इसी वीडियो में अगर हमारे कोई डॉक्टर दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई सीरियस भी इशू आता है तो एटलीस्ट आपने पेशेंट की हिम्मत अफजाई करनी है, आपने उसका हौसला बांधना है कि कोई मसला नहीं है, ये एक इशू है जो रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बीमारी इट्सेल्फ इतना डैमेज, इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितने के डॉक्टर के अल्फाज। अगर डॉक्टर आपको कह दे कि बस आपकी तो लाइफ ख़त्म, बस तो आपकी लाइफ ख़त्म। अगर आप सीरियस कंडीशन में भी हैं और अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आप परेशान ना हो, ये बड़ा मसला नहीं है, कुछ अरसे तक ट्रीटमेंट रहेगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये मैंने आपसे ये वीडियो इसलिए क्योंकि एक रियल लाइफ मैंने सिचुएशन देखी, इस वीडियो में दोनों के लिए जो है ना एक किस्म की जो है ना लर्निंग है कि अगर आप पेशेंट हैं तो कभी भी किसी एक डॉक्टर पे बिलीव नहीं कीजिए, 2 से 3 डॉक्टर आप अपना टेस्ट रिकन्फर्म कीजिए। और अगर आप डॉक्टर हैं तो खुदारा आप अपने पेशेंट को ज़रा प्यार मोहब्बत से हौसला बांधते हुए उनको उनकी डिजीज़ के स्टेटस बताइएगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक वेरी मच केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।